बाकि कबीरदास जी के जो दोहा है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, एयर जो प्रबंधन के जो सूत्र दे थे एक बड़े कोई सूत्र है नहीं। और समय प्रबंधन के में ब्रेंड ट्रेसी, बिल गेट, स्वेट मार्टन से लेके विवेक बिंद्रा, संजीव माहेश्वरी, ये सब मन के समय प्रबंधन के और बहुत सारा चीज हम पढ़े हैं, सुने हैं, जाना थे, ठीक है, नेपोलियन हिल और ये सब मन के पुस्तक पुस्तक भी पढ़े के शौक है। तो अब बोला पढ़ते ना, पढ़े के बाद जब सार निकालते ना तो हमें ये लगते कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। जब ये सूत्र हम देखते हैं तो एकल बड़े समय प्रबंधन के कोई सूत्र दूसरे दिखे थे। हमर महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम में आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार और संगवारी हो। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे विशेष पहुना है रजनीश यादव जी, जैन कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, भाषाविद हैं, बहुत बढ़िया गायक है और सबले बड़े बात ये है कि हमारे पूरा देश भर में घूम घूम के हमार जो राष्ट्रभाषा है उसका प्रचार करत है और ऐसा बहुत बढ़िया एक जिम्मेदारी पद्मा बुता करत हावे, मुख्य प्रबंधक राजभाषा भारतीय स्टेट बैंक हमारे बीच आए हावे, उखर मल्ले हम गुड बात करबोन। रजनीश जी आपके हृदय ले अभिनंदन है, स्वागत है, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद चंपेश्वर भैया, नमस्कार, जय जोहार, आप सब मल्ला मोर सादर प्रणाम, जय जोहार। भाई आप मन हा बहुत बढ़िया गायक हो और जब कोनो गायक आते तो हम सबले पहले कोनो गाना ले हम अपन कार्यक्रम की शुरुआत चाहतन, तो एक बढ़िया गाना सुना देते हो फिर आगू चर्चा कर बोल। चंपेश्वर भैया बस जैसे आप और हमन के वो है जो स्वभाव है तो मस्ती में जीने वाला आदमी है हमन, बिल्कुल मस्ती भरे गीत से ही शुरू करबो, तो मैं आपन की इजाज़त से शुरू कर रहा था। स्वागत। हिंदी गीत है, हिंदी तो हिंदी से ही उपजे हुए हमन सब चीज़ें, तो हिंदी की सेवा कर रहा था तो हिंदी गीत तो किशोर कुमार के एक बहुत ही अच्छा गाना है जो छोटे से थोड़े से जीवन के उद्देश्य भी छुपे हुए हैं तो और मस्ती भी छुपे हुए हैं। हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर, हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यड़ले यड़ले ओ यड़ले यड़ले ओ यड़ले यड़ले ओ यड़ले यड़ले ओ। शानदार आगाज है, बहुत बढ़िया शुरुआत है। रजनीश भाई आप जगह जगह घूमत रही थो, आप हिंदी भाषा और राष्ट्रभाषा के प्रचार करते हो, अलग अलग जाते हो, आप में एक कलाकार के गुण हैं, आप में एक साहित्यकार के गुण हैं, तो ये प्रचार प्रसार के बेरा में आप साहित्य ला कौन हिसाब से जीत हो? चंप भैया ऐसे है कि साहित्य सर्वोपरि है, साहित्य के जो जगह है वो सबसे उत्तम है और साहित्य लही हम अपन मानदंड मानते हुए काबर कि आज हम जो भी मुकाम पे पहुँचे हैं कहीं ना कहीं साहित्य के में बहुत बड़े योगदान है। साहित्य है हमार आधारशिला है, साहित्य हमार जड़ है, तो जड़ ला आदमी नहीं भूल सके, छत्तीसगढ़ ही ला हम नहीं भूल सकन, छत्तीसगढ़ी के में पैदाइशी है, छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो हमन के एक ध्येय वाक्य है बोला हर जगह अपन आप मतलब स्थापित करे हुए कई प्रकार के मेहनत मशक्कत और परिश्रम करे वाला लागते और लेकिन वो परिश्रम हर वो पसीने हर एकदम मतलब मिठास देते जब हम उनके जो मंच मिलते साहित्यिक मंच मिलते और साहित्यिक मंच में हम अपन जो ये भावना ला प्रस्तुत कर पाथन, अपन अंदर के जो भी अदायगी है, अपन अंदर के जो भी कला है वो कला ला हम प्रस्तुत कर पाथन, तो हमें साहित्य के बहुत बड़े योगदान है, तो साहित्य ला तो मैं अपने हिसाब से सर्वोपरि रखता। पैसा 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 के बीच में ये जो न कहना चाहिए कि स्टेट बैंक में अलग से जो न भाषा विभाग के जो गठन हुआ है जिनमें आप बिल्कुल अपन नवा बूता ला बढ़िया बढ़िया बूता करत हो, ये ऐसा कैसे संभव हो जाते? देखा बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछे हैं आप और लक्ष्मी पुत्र के बीच में थोड़े से सरस्वती पुत्र के कदर तो थोड़े कम होते लेकिन कहीं ना कहीं सरस्वती देखे अभी दुर्गा मतलब हमें अभी त्यौहार वगैरह में हम देखते हैं कि शक्ति के साथ साथ लक्ष्मी भी है सरस्वती भी, तीनों के रूप एक है, आदमी की छोटी सी जो सोच है वो हर अपन हिसाब से वो मन देखते हैं लेकिन सरस्वती जो है कला विद्या की जो देवी है, साहित्य की जो देवी है
और सर्वोपरि अपन जगह बना लेते भैया, जैसे नदी अपन रास्ता बना लेते, पानी अपन रास्ता बना लेते ना, उसने अगर आपके अंदर कोई भी थोड़े से क्षमता हुई तो आप रास्ता ऑटोमेटिकली बना ला। तो आपके जो प्रश्न है कि लक्ष्मी पुत्र के बीच में सरस्वती पुत्र कैसे जगह बनाते, तो सरस्वती पुत्र एक जगह बना लेते काबर की मोला भर्तृहरि के एक संस्कृत में एक ठो कहावत याद आते कि साहित्य संगीत कला विहीनम साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीना। साहित्य संगीत और कला से जो बिना व्यक्ति है वो एक साक्षात पशु है जिसका कोई पूछ नहीं है। तो कहने का मतलब हर एक इंसान ओकरो अंदर एक दिल है, ओकरो अंदर एक साहित्य के कला के और संगीत के प्रति कहीं ना कहीं एक प्रेम है। वही प्रेम वही जो मनोविज्ञान है ना, वो मनोविज्ञान कहीं ना कहीं अपन उमन के मन में एक आकर्षण पैदा करना और एक बार हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ते, मेहनत करना पड़ते, एक नवोन्मेषी तरीके से हमें बताना पड़ते कि किस तरीके से भाषा के काम महत्व और भाषा से व्यवसाय विकास कैसे किया जा सकता है। आपके व्यवसाय विकास में, बैंक के व्यवसाय विकास में या कोई भी संगठन के व्यवसाय विकास में भाषा हर बाधक नहीं है, साधक है। ये बात हमें मतलब बहुत अच्छे तरीके से अपन नवोन्मेषी प्रयोग के माध्यम से बताथन और उनके सामने लेके आते। कैसन कैसन ढंग से आप प्रयोग करते हो? आप पूरा भारत भर में घूमत रहते हो, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग भाषा के क्षेत्र में, अलग अलग भाषा के जानकार मन के बीच में आप जाते हो, तो ऐसा का आप उदीम करते हो कि लोगन के बीच में कला के बीज अंकुरित हो, साहित्य के बीज अंकुरित हो, कविता आवे, तो वो आयोजन के संबंध में? बहुत बहुत बढ़िया। देखा क्या होते कि कोई भी संगठन में एक रूटीन प्रकार के काम का चलते थे, लेकिन मैं जब से यहाँ पे भी जाता हूँ, जैसे आप जाना था कि मैं जयपुर में रहे, कोटा में रहे, राजस्थान में रहे, कल पहले अभी रायपुर में जब रहे, वर्तमान में भी जहाँ पे भी पदस्थ है, हैदराबाद वगैरह में जहाँ पे भी हम, तो वहाँ पे पहले जाता था तो सबसे शुरू में काम करता है कि साहित्यिक संस्था कौन सा है पहले ओला ढूँढा, सबसे शुरू मंदिर कहाँ पे है ओला ढूँढ, मंदिर ढूंढने के बाद साहित्यिक संस्था ढूंढतन, ओकर बाद साहित्यिक संस्था से अपन परिचय देके जुड़ाव करथन, फिर वहाँ आप मन के जैसे कवि मिलते हैं, फिर वो कवि मन से एक परिचय होते हैं, और चूंकि हमन के सरस्वती के पुत्र आप भी हैं, सरस्वती के पुत्र में हैं, तो हमन तो भाई भाई हो गए। जब भाई भाई मन के बीच में जो बंधुत्व बनते वो बंधुत्व और प्रगाढ़ हो जाते जब एक दूसरे के बारे में जब विचार साझा होते, विनिमय होते, तो हमन के जो विचार मन एकदम प्रगाढ़ हो जाते और हमन एक दूसरे से और गाढ़ा होकर मिलते हैं। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारा दिवस मनाए जाते हैं हमन के, विश्व काव्य दिवस, साक्षरता दिवस, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, अनुवाद दिवस, जो भी भाषा से संबंधित। जैसे पत्रकारिता दिवस दो प्रकार के होते हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस, विश्व पत्रकारिता दिवस, 130 मई के होते, 1-3 मई के होते। तो मैं इन नवोन्मेषी प्रयोग आपला जैसे बताता था, तो मैं क्या कोशिश करता कि पहले तो मुझे संपर्क बनाता नया जगह हम जाए के बाद, फिर वो संपर्क मन ने मतलब बताते हैं कि ये तारीख के अपन जो प्रबंधन समिति है, प्रशासन के जो प्रमुख मन ने मतलब बताते हैं कि इससे ये करने से हमारा ये माइलेज मिलेगा और ये होगा। अब उमन मालिक की कृपा से जब कन्विंस हो जाते हैं सुविधा के अनुसार से, तब फिर वो कार्यक्रम आयोजित कर लेते हैं, फिर हम फिर विश्व कविता दिवस के जैसे आयोजन करना है, फिर हमें अमन एक नवन विषय प्रयोग करते हैं कि एक ही कविता, हिंदी की कविता नहीं, छत्तीसगढ़ी की भी कविता हो, फिर हिंदी की भी कविता हो, और अगर अंग्रेजी की भी कविता चल रही तो अंग्रेजी की भी कविता। भाषा से कहीं हमन काकरों ले दुराव नहीं है, लेकिन हाँ पहली हमारे छत्तीसगढ़ी सर्वोपरि, फिर हमारे मतलब हिंदी भाषा, फिर अन्य विदेशी सब भाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, कुछ भी रहे सबके स्वागत है। हमारे दिल बहुत उदार है और ये समुद्र में हमन सब लोग समाहित करते हैं। अभी तो बीच में आप छत्तीसगढ़ में रहे हो, पहले आप छत्तीसगढ़ से बाहर रहे हो, फिर भी आप बहुत ज़्यादा बेचैन रहे हो। जब आप छत्तीसगढ़ से बाहर रहते हो तो छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ कैसे जीता हो आप? ये तो एकदम मन के अंतर मन के प्रश्न पूछ दिया, बहुत बढ़िया चीज। देखा हम जब छत्तीसगढ़ के जो माटी से हमन जब हन, तो छत्तीसगढ़ के माटी के सुगंध, जैसे राम भगवान जब यहाँ अयोध्या ले गिन तो माटी ले लेके गए रहन, माटी के पूजा ला और अपन देवता मतलब भगवान के रूप में रखे रहन, बिल्कुल वैसी मैं वो तरीके से प्रतीकात्मक रूप ले वो करता। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी आजकल संचार के बहुत सारा माध्यम है, मीडियम के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, छत्तीसगढ़ में मोर परिवार यहीं रहते, रायपुर में रहते, तो छत्तीसगढ़ तो कभी मैं भूल नहीं सका ना छत्तीसगढ़ी कहीं से, क्योंकि भाई हमन के पूरा एक एक धमनी और शिराओं में अगर कुछ बहते तो छत्तीसगढ़ी बहते। आए मोला बहुत फक्र के साथ कहता, सबसे शुरू मोला जो सबसे खुशी की जो बात है वो मैं हमारे दर्शक दीर्घा मल्ला भी कहना चाहता कि आपन जो छत्तीसगढ़ी के ऊपर मोला अति फक्र है, अति गर्व है कि मैं ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी ला बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता, और जो चीज़ अगर मैं एक माध्यम सशक्त माध्यम बनाता हिंदी ला, मतलब आप रविन्द्रनाथ टैगोर जी की भी एक मोला कथन याद आते, वो कहने कि समस्त भारतीय भाषाएं उपनद हैं और हिंदी जो है महानद है। तो छत्तीसगढ़ी भी एक भाषा है, एक बोली है, मैं माना था भाषा बोली वो सब चीज़ में जाना था उपभाषा,
तो एक भाषा के रूप में ले था नाम, तो ये छत्तीसगढ़ी भी हिंदी ला कहीं ना कहीं एक उपनदी की तरह, महानदी जैसे छोटी छोटी नदियाँ बना के सहायक नदियाँ मन मिल के बनाते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ी ला भी छत्तीसगढ़ी हिंदी ला समृद्ध करते अन्य भारतीय भाषा के माध्यम से, तो उसी तरह से हिंदी भी ना छत्तीसगढ़ी ला समृद्ध करते, पूरक संपूरक वाली बात। बहुत बढ़िया साहित्य के बात उठा थे हिंदी के साहित्य जगत में, आप काकर काकर से प्रेरित होता, कौन कौन कवि से आप प्रेरित होता हो? हिंदी साहित्य जगत तो जो है वो, अभी मैं छत्तीसगढ़ी लगा लो जोड़ देता हूँ, संग्रह संग्रह बताओ। बिल्कुल, हिंदी साहित्य जगत तो बहुत विशाल है, बहुत विस्तार है होकर, लेकिन जहाँ तक जैसे तुलसीदास जी की बात आते हैं तो सुर सुर तुलसी ससी उठगुन केशव दास आज के अब के कवि खद्योत्सम जहाँ तहाँ करे प्रकाश वाली बात है। सूरदास तुलसीदास जी मन के तो ऊंचाई तो अपन आप में सब जन विधि थे। मोला जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हुए भैया कबीरदास, मैं कबीरदास जी से बहुत प्रभावित था। अब यूँ कहिए कि मोर अगर जीवन के आदर्श है माता पिता तो आदर्श है, ओकर साथ साथ अगर मोर आदर्श कहिए तो K3 तीन ठी आदर्श है मोर। पहला आदर्श है कृष्ण भगवान, और आप मोर देखिए मोर DP में मोर फेसबुक में सब चीज़ में मोर वो आदर्श ना प्रतिस्थापित भी करता, कोई कुछ भी समझे, कोई कैसे भी बोले, कोई कुछ भी कमेंट करे, पहला कृष्ण भगवान। दूसरे नंबर में कबीरदास साहित्य के रूप में, तीन आयाम चार आयाम जो भी, और गाना गाने में किशोर कुमार, तो K3 और तीनों में अगर आप देखिए तो बहुआयामी है तीनों में, तो कहीं ना कहीं वो बहुआयामी के जो तत्व है हमरो अंदर ओकरे वजह से आप मन जो देखता आप जो परिचय के शुरुआत में दिया वो हर आगे से बातें बात में K3 के घलो आप मन विवरण बता रहे हो तो संवारी हो K3 के मतलब वाला आप मन समझ चुके हो। वो K3 ऐसा ढंग ले हमर रजनीश जी के साथ जुड़े हुए हैं। किशोर कुमार आपके गायन के क्षेत्र में बहुत आदर्श गायक है, तो किशोर कुमार के ऐसे कोई घटना कुछ आपला सुरता है जेकर ले आप प्रेरित हुए हो? बहुत सारे घटना भैया किशोर, बहुत बढ़िया प्रश्न। किशोर कुमार के जो व्यक्तित्व व्यक्तिगत जीवन में कैसे का है वो सब चीज़ में, तो जो मतलब रोमांटिक लाइफ और जो जो गॉसिप वाली बात में ये मैं हटा के बात करी हूँ, जो मोला प्रेरित करते किशोर कुमार एक ऐसा रही कि वो बेसिकली जब लता मंगेशकर और जैसे उन दोनों चर्चा करते रही तो एक बार साक्षात्कार हुई किशोर कुमार की लता मंगेशकर के द्वारा, तो लता मंगेशकर जी प्रश्न पूछी दीदी लता दीदी कि किशोर दा आप एक तो एक्टर थे और आपके बड़े भैया अशोक कुमार भी एक्टर थे, तो आप एक्टिंग को छोड़ के उसमें भी एक सफल मुकाम आप हासिल कर चुके थे कॉमेडियन के रूप में और एक अच्छे आर्टिस्ट के रूप में, तो आप गायक कैसे बने? तो कही कि मूलता तो मैं गायक हूँ, जैसे मैं मूलता छत्तीसगढ़िया हूँ, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुई, तो मूलता तो मैं गायक हूँ दीदी लता दीदी, और सबसे बड़ी बात एक्टिंग तो एक अभिनय है, बनावटी है, संगीत जो है वो दिल से निकलती है और दिल को छूती है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ कि मैं गायक हूँ, पहली चीज़ मुझे प्रभावित करी। बहुत शानदार, मैं हिंदी साहित्य के साथ साथ छत्तीसगढ़ी साहित्य घलो जोड़ा था, वो छत्तीसगढ़ी साहित्य के बारे में भी आप कुछ? छत्तीसगढ़ी साहित्य भी बहुत समृद्ध साहित्य, पालेश्वर शर्मा जी के हम जैसे सुनथन और हम बचपन में कहानी पढ़न जो एक कहानी रही कि अरे कुआं भाई कुआं कत की सुंदर कुआं हैं डुबाओ का दो चार अरे डुबाना का हजार, ये कहानी हमारे बाबूजी हमला सुनाए, और हम जैसे गर्मी के दिन रहे बढ़िया आकाश ला निहारत रहन, वो आकाश ला तारा ला निहारते हुए आंगन में बढ़िया तीनों भाई अपन तीन भाई तो सोचते रहन बाबूजी कहानी सुनाए, और कहानी ला मन बहुत आनंद के साथ लन बहुत रस के साथ सुनान, और जो कुछ हम उनके अंदर जैसे इसमें बताया ना माता पिता आदर्श हैं, तो बाबूजी भी एक बहुत बढ़िया आर्टिस्ट रही हर चीज़ में, शिक्षक रही लेकिन बहुत अच्छा मन संचालक, बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट और सारी चीज़ों के अंदर रही, तो अगर छिटका पानी है समझा हम। कविता साहित्य और कला के क्षेत्र में आपके अभी का योजना है, वो का बूता करत हो और करूँ? कविता के क्षेत्र में ऐसे भी है कि जैसे कवि हैं तो कवि खुद एक, तो आप जैसे कविता मतलब जो कवि रचनाकार हैं पहले तो मैंने संपर्क स्थापित करते हैं, और मोर एक मामला ही मैंने मानना ये है कि आप मन के जैसे जो योग्य और टैलेंटेड और प्रतिभा जैसे कि जंगल में जैसे होते ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है, तो मोर एक तो ये कि फिर एक तो किशोर कुमार के गीत याद आते कि मैं जिधर जिधर जाऊँ बाहर चल लिया है मैं बन का फूल कहके, तो एक बन का फूल रहें मोर दिली चाहिए कि जैसे मान लो चंपेश्वर भैया में या और भी हमारे जो मित्र गण मन है जो वो मतलब बन के फूल रहना मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मन भी लाइमलाइट में आए और मैं जो प्रयास कर सकता हूँ, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैं वो मतलब सामने लाके एक मोर दिली इच्छा ये है कि अगर भारतीय स्टेट बैंक के मंच से या और भी कोई मंच से जिस मंच में मैं जुड़े हूँ वो मतलब लाए के अगर मुझे मौका मिली मैं आप हैदराबाद लेके चलिया और मैं इंट्रोड्यूस करूँ वहाँ की चंपू भैया है,
मैं बहुत अधिकार से दर्शक दीर्घा बताना चाहता था कि चंपेश्वर भैया ने मैं चंपू भैया बोलता हमन के बहुत पुराने गाढ़ा मित्रता है तो मैं चंपू भैया बोला तो आप मन वाला नेता मत लिया भैया कावर की वो कहीं ना कहीं आत्मीयता में जब संबंध होते तो चंपू भैया के रूप में निकलते। बहुत बढ़िया आप अनुभव साझा करत हो, तो मतलब ये है कि आप करा प्रतिभा मन आते कि आप प्रतिभा लग खोजत हो भैया। फिर वही तुलसीदास जी के मूल पंक्ति याद आते कि सकल पदार्थ है जग में ही कर्म ही नर पावत नहीं। तुलसीदास जी कहीं नहीं कि इस दुनिया में सब चीज़ हमन के आस पास है ना। और एक और बताना चाहते आप साहित्य की बात करें तो यह अवधि में लिखे गए भैया है ना, तो सकल शब्द हमारे छत्तीसगढ़ी में भी है, पदार्थ हमारे छत्तीसगढ़ी में भी, जग भी छत्तीसगढ़ी में, माही बस एक तो शब्द अवधि के समझा तो अब अच्छा कथे अवधि बघेलखंडी और छत्तीसगढ़ भाषा विज्ञान आप जैसे परिचय दिया तो भाषा विज्ञान के रूप में भी मैं विद्यार्थी हैं। देखा जिंदगी भर आप आदमी ला सीखना चाहिए, जीवन के हर क्षण में सीखना चाहिए। बहुत विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉड एक जी तो कहावत कही ने कि लर्निंग जो अधिगम है जो सीखना है वो माँ के पेट से लेके वो अंग्रेजी में कहने फ्रॉम वूम टू टूम, वूम मतलब माँ के जो गर्भाशय से लेके टूम मतलब कब्र तक वहाँ तक लर्निंग के प्रोसेस होते हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना है, तो सब सकल पदार्थ पूरा जग में है। तो आप जैसे बोला कि प्रतिभा आते या आप प्रतिभा आपके तरफ जाते तो सब चीज़ जग में, बस जो कर्म करते रहना है आपका, अपन रास्ते में चले जाओ वही हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया की तो परवाह न कर, ऑटोमेटिकली आप सब चीज़ धीरे धीरे ऐड ऑन हो जाही, आप कर जुड़त जाही, एक से बढ़ के एक चीज़ मिलत जाही, आपके संपर्क दायरा बढ़त जाही और जो जो चीज़ आप सपना देखता कहीं ना कहीं और यथार्थ रूप में आपका आने वाला है और ये बात के संकेत। बहुत बढ़िया, नवा सृजन, नवा लेखन और नवा आयोजन के संबंध में आपके का तैयारी है, का योजना है? नवा सृजन के रूप में मैं कबीरदास जी के ऊपर एक पुस्तक लिखा था, अब चूंकि हम संस्था में है ना बोलो मैं हाईलाइट नहीं कर सका था कबर के भी एज अ राइटर के रूप में मतलब हम अर्थोपार्जन नहीं कर सकन तो बोला मैं अपन संग्रह करके रखा था। तो प्रबंधन गुरु कबीर एक रूप में मैं जब कबीरदास जी के हर एक दोहा मोला प्रबंधन के लगते, जैसे कि समय प्रबंधन में बताना चाहा जो सुना थे मतलब एक मोटिवेशनल वो भी हुई एक आयाम मोरा और भी है कि एक मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं है ना, तो लोग मोटिवेशन के भी काम करता तो उनमें ये है कि प्रबंधन गुरु कबीर मतलब कबीरदास जी के हर एक दोहा मोला प्रबंधन के सूत्र बताते, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हमन जो एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट पर्सन भैया वो बहुत सारा हमन के मैनेजमेंट के कोर्स में जो पद में है ना हिसाब से बड़े बड़े लीडरशिप डेवलपमेंट वगैरह में जाथन विश्व प्रसिद्ध आदमी मन आके लेक्चर देते हैं वाला सुनथन ग्रहण भी करथन सीखथन भी, लेकिन मैं फिर पाएँ पुनः जा अगर मैं कोर में और जड़ में जाके देखें पाएँ कि कबीरदास जी के जो दोहा है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान, एयर जो प्रबंधन के जो सूत्र देते एक बड़े कोई सूत्र है नहीं। और समय प्रबंधन के में ब्रेन ट्रेसी बिल गेट स्वेट मार्टन से लेके विवेक बिंद्रा संजीव माहेश्वरी ये सब मन के समय प्रबंधन के और बहुत सारा चीज़ हम पढ़े हैं सुने हैं जाना थे ठीक है नेपोलियन हिल और ये सब मन के पुस्तक पुस्तक भी पढ़े के शौक है। तो अब बोला पढ़ते ना पढ़े के बाद जब सार निकालते ना तो हमें ये लगते कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। जब ये सूत्र ला हम देखते हैं तो एकल बड़े समय प्रबंधन के कोई सूत्र दूसरा दिखे नहीं और मोला बाकी सब ऐसे लगते हैं कि ये सूरज के सामने दीपक है बाकी किताब में। तो ये चीज़ें तो ओकरे में मैं कबीरदास के एक एक दोहा के ऊपर एक किताब लिखा था हर एक दोहा के ऊपर और प्रबंधन के सैकड़ों सूत्र यह अभी बोला रिलीज करना नहीं चाहता। शुभकामना है, शुभकामना है आपका, शुभकामना है, आप बहुत बढ़िया कवि हो और हमार जो गोट बात लगिरिया एक बेरा आगे है एक रचना सुना देते हो। जरूर जरूर भैया जरूर और मोला आपके आपके आशीर्वाद चाह काबर की मोर ले बड़े कवि आप हैं आपके सामने मोला ऐसे बोलूँ मतलब अपन कविता सुनाए में। देखा सम्मान बहुत जरूरी है हम जो फील्ड में जो क्षेत्र में और वही सम्मान के काबर की सबसे बड़ी मोला खुशी होती है कि जो हिसाब से चंपू भैया आप छत्तीसगढ़ ही रहा जो मुकाम दिलाए हैं अभी विश्व स्तर पर भारत के स्तर पर नहीं विश्व स्तर पर जो दिलाए हैं मैं ऊपर दिल से कृतज्ञता व्यक्त कर रहा था आपके प्रति और आप मन के पूरे टीम के भी प्रति और आप मन की इजाज़त से मैं एक कविता जो स्वरचित कविता है बिल्कुल स्वागत ओला मैं सुनाना चाहता था और ये मैं 2018 में लिखे रहे और बाद मतलब मोर जो प्रमोशन हुई उसके तुरंत बाद एक कविता लिखे रहे मैं चीफ मैनेजर जब बने था एम मोर आदर्श के बारे में मैं वर्णन कर रहा। एक नन्हा सा पौधा जिसके सहज सौंदर्य से था मैं आकर्षित
उपलब्धियों के शिखर को पाकर जब हो गया वो किंचित सा विस्मृत, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कर दिए मन की वीणा को झंकृत। उस नन्हे से पौधे को हर शाम, हर रात, हर दिन मैं देखा करता था और होता रहा वह विकसित। विकास के आयाम को छूता छूता वह वृक्ष बन गया, ऐसा वृक्ष जिसमें फल लदे हैं अनगिनत अगणित, जिसकी सत्ता को सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, जिसे अपने जीवन की प्रेरणा मानता हूँ, उसे ही प्रेम का शायद वह पाठ पढ़ा था, उससे ही प्रेम का शायद वह पाठ पढ़ा था, शायद उसने ही उस नन्हे पौधे को मेरे जीवन में गढ़ा था। बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी बीतते गए, पौधे ने वृक्ष बनकर भी अनकहा सा प्रश्न छोड़ दिया, सारी आदर्श थोथी कल्पनाओं को तोड़ दिया। प्रेम की उस पुजारी ने उसे कहीं और जोड़ दिया, पूजा जिसकी प्रेम से, प्रेम का वह पुजारी ही कुछ संदेश देता है, कहता है कि यह जीवन है, कुछ देता है तो कुछ लेता है। मान मेरी बात, पौधे से वृक्ष बनना है और वृक्ष से पुनः बीज की उत्पत्ति करना ही उसका भाग्य है। सच्ची चाहत मन में होना सौभाग्य, सच्ची चाहत मन में होना सौभाग्य। भाई वाह, इसने आप मन लिखत रहो, सब लोग मोटिवेट करत रहो, प्रेरित करत रहो, नवा नवा योजना के साथ काम करत रहो। अब जाए के बेरा है तो भाई आप मन हमारे संगवारी में लगलो दुआ करके ही देते हो। बिल्कुल, मोर जो भी युवा साथी है और संगवारी है, पर सबसे शुरू एक पूर्ण संदेश ये है कि जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श रखना है, एक लक्ष्य रखना है। क्या कि जैसे कि हम समुद्र में देखते हैं कि वो नाव अगर पीछे कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं है तो नाव भटक जाते, कोई भी जगह पे जाके या तो वो ठहर जाही या समुद्र में डूब जाही या कुछ चीज़ के शिकार हो जाही, भटक जाही। हमन के जीवन भी वो नाव की तरह है और हमन समुद्र में जब तक हमन कर दिक्सूचक यंत्र या एक दिशा, एक लक्ष्य नहीं हुई तब तक हमन भटकत रहो। और मैं देखता कि हमारी युवा पीढ़ी भटकाव में है, तो भटकाव दूर करे पर सबसे शुरू एक करना है कि एक लक्ष्य बनाना है, कोई भी छोटे ही सही लेकिन वो लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य बनाए के बाद कैसे आगे रास्ता मिलना है वो रास्ता ऑटोमेटिकली मिल जाए, पहले लक्ष्य बनावा जीवन में आगे बढ़ के, छोटे ही सही मगर एक जीवन के एक लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य बना के आपला ओगोला बिल्कुल चिड़िया की आँख की तरह हमेशा दिमाग में रखना है, तो सब चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाए। रजनीश भाई, आप आए हमारे ये शो में और बहुत बढ़िया बात करे हो, बढ़िया बढ़िया कविता सुनाए, बीच में गीतों सुनाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जोहार। जय जोहार चंपू भैया, जय जोहार आपका। और संगवारी भाई, इसने हमारे कार्यक्रम में लगातार देखत रहो, हमारे जय जोहार चैनल लगातार देखत रहो। आज बस अतकेच देवो विदा, आप जम्मू संगवारी मल्ला, चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।